ओके क्वेश्चन नंबर वन, इसमें लिखे कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मंथली बैंक स्टेटमेंट शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3527। अच्छा पहले तो इस पर बात कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है यहाँ पे ना। अच्छा कैश बुक में तो पता है आपको, कैश बुक में बैंक जो बैलेंस जो होता है डेबिट ही होता है ना, और अगर क्रेडिट हो तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो कैश बुक में बैंक बैलेंस नॉर्मली आपका डेबिट ही होता है ना, बैलेंस एज पर बैंक। अच्छा यहाँ पे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आपका क्रेडिट आ रहा है, इसका क्या मतलब है ये समझा देता हूँ। ना ओवरड्राफ्ट ना एरर कुछ भी नहीं, नॉर्मल बैलेंस है ये। पहले थोड़ा आपको एंट्री समझा दूं मैं, एंट्रीज क्या होती हैं, तो उससे ये बैलेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये हम फर्ज करें अपना एक बिजनेस, हमारा नाम क्या लिख लें, कोरियर शिवम कोरियर, शिवम शिवम सही सही है ना, शिवम हाँ ठीक है, कोरियर हो गया। अच्छा और इधर बैंक कौन सा है, बैंक का नाम बता दो, बता अच्छा भाई लेते हैं सबसे। अच्छा कैसे पता चला आपको, अच्छा अच्छा क्या है उसमें, अच्छा क्या है है उसमें। हाँ तो बैंक वाली फिर। अच्छा चले यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अच्छा अब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, डेबिट कैश क्रेडिट अमाउंट सपोज कर लेते हैं 25,000, ठीक है। अच्छा जो बैंक है, बैंक अपने पास क्या एंट्री बनाएगा, बैंक क्या एंट्री बनाएगा, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट क्यों करेगा, कस्टमर कस्टमर अकाउंट करेगा, अकाउंट पेबल जी, अकाउंट कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करेगा जी, क्या ख्याल है। देखिए अब आप जरा सोचें, आप बैंक में बैठे हैं, इस पर एक कस्टमर आया कैश डिपॉजिट करवाया, आपके पास कैश आया, आप कैश तो डेबिट करेंगे, साइकिल इफेक्ट क्या होगा, आप इस वक्त बैंक में बैठे हुए हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, बैंक में बैठे हुए, एक कस्टमर आया उसने कैश डिपॉजिट करवाया, अब आप दो इफेक्ट क्या रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास कैश आ रहे हैं, आपका कैश इंक्रीज हुआ, बैंक का कैश इंक्रीज हुआ डेबिट, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, रिसीवेबल कैसे हुए, पेबल हो सकते हैं ना, रिसीवेबल क्यों होंगे। आज एक कस्टमर अकाउंट होल्डर आ रहे हैं अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा रहे, तो आप पे लायबिलिटी आ गई ना, कि आज ये जो कस्टमर ने 25,000 डिपॉजिट करवाए ये कल को उसे वापस करने, तो बैंक के लिए तो लायबिलिटी बन जाती है ना, कि आज जो पैसे कस्टमर डिपॉजिट करवा रहे हैं वो कल को उसे वापस करने, तो बैंक का क्या होगा, कैश इंक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आगे लिख लेंगे हम एबीसी को कर देंगे ना, सही। तो बैंक एंट्री क्या बनाएगा, कैश डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाए, ठीक है। अच्छा तो देखिए अब हमने डिपॉजिट के टाइम पर हमने बैंक को अपने पास डेबिट किया और बैंक ने हमें अपने पास क्रेडिट किया, अपोजिट रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है, और हम बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा अच्छा अब हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से तो भी अमाउंट ले लेते हैं, 10,000 कर रहे हैं, कर लेते। अच्छा बैंक अपने पास क्या एंट्री बनाएगा, बैंक बैंक अकाउंट पेबल डेबिट करेगा और कैश क्रेडिट, दस
15,000 से क्यों करूँ, चलो 1,000 कर ठीक है। अच्छा तो हमने बैंक को देखिए विड्रॉ के टाइम पे हमने बैंक को क्रेडिट किया, बैंक ने हमें अपने पास डेबिट किया, इट मीन्स ये रिकॉर्डिंग हमेशा अपोजिट होगी। बैंक हमारे लिए एसेट है और हम बैंक के लिए लायबिलिटी। अब हम अपना बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, बैंक बैलेंस। अच्छा इस वक्त बैंक बैलेंस कितना है हमारा, 10-15,000। अच्छा ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट बैलेंस होगा ना, ठीक है। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000 डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा जो बैंक के पास बैलेंस क्या शो हो रहा होगा, 15,000 ही आएगा, और ये बैंक के लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक की ये लायबिलिटी है ना, राइट। इसका मतलब है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, और नॉर्मल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट है और हम बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक नॉर्मली डेबिट होता है, और बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये नोट कर ले पहले। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस दिए हुए हैं, कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डेबिट, तो ये नॉर्मल बैलेंस है, और मंथली बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,537, ये भी नॉर्मल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं है इसके अंदर, सही। ये कॉपी कर लें। यहां देख लें, आगे तक याद रहेगा तो याद रखिएगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होगा, ठीक है, हाँ अच्छा राइट। अच्छा इसके बाद बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये तो बैलेंस की बात हो गई, ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो भी कैश बुक लिख, कैश बुक है, ठीक। पॉइंट है याद रखिएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट, और यहां लिखते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट होगा, बैंक बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा, हाँ। और मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, क्रेडिट लिख दिया उसका, हाँ। ये नोट कर लें, ये आगे याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहले एक बैलेंसेस दे दिया, इसके बाद लिखा हुआ है अनक्लियर चेक्स। अनक्लियर चेक्स कौन से होते हैं, जिसको आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट भी कहते हैं, साइनिंग का इशू थोड़ी होता है, अनक्लियर चेक्स या आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। अनक्लियर चेक हो गया कि हमने चेक बैंक पर डिपॉजिट करवाया लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि चेक क्लियर होने में नॉर्मली 3 वर्किंग डेज लगते हैं। इसके बाद है बैंक चार्जेस ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट इन द स्टॉक, ठीक है, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक पहले रिकॉर्ड करता है, हम स्टेटमेंट आने के बाद रिकॉर्ड।
अनप्रेजेंटेड चेक्स, हमने सप्लायर सप्लायर को पेमेंट कर दी बाय चेक, सप्लायर ने वो चेक बैंक पर प्रेजेंट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं करवाया, कैश नहीं करवाया। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? क्विक पेमेंट होती है, ऑटोमेटिक पेमेंट होती है, ठीक है। बैंक की एक पेमेंट फैसिलिटी है, ऑटोमेटिक पेमेंट फैसिलिटी, जिसमें हम एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे होते हैं ना, कि एक बार हम बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर हर महीने हमारे अकाउंट से पेमेंट निकल जाता है, क्रेडिट ऑटोमेटिक पेमेंट। इसके बाद तो पहले बैंक में रिकॉर्ड कर लिए हमने कैश बुक में रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम बीबरनेस एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट क्लियर इन कैश। क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम बीबरनेस, तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? आ रहे हैं, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम है, आ रहे हैं। बी बर्नेस ने क्रेडिट ट्रांसफर किया है, तो हमारे अकाउंट में पैसे आए, पैसा आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये दो गए रीजन जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अब करना क्या, रिक्वायरमेंट पहले है, स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस ऑफ 2740, ब्रिंग द कैश बुक बैंक कॉलम्स अप टू डेट एंड देन बैलेंस द बैंक अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ कैश बुक बैंक कॉलम्स, तो कैश बुक आपको याद है उसमें दो कॉलम्स होते हैं, कैश और एक बैंक का। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कैश बुक तो नहीं बनाएंगे, वही जो 8-10 कॉलम वाली कैश बुक थी, यहाँ पे हम सिंपल एक बैंक का टी अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, सेकेंड रिक्वायरमेंट प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन। पहले रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट बनाते हैं और इसका बैलेंस दिया हुआ हमें कैश बुक का, इसको अपडेट करते हैं। अच्छा, ये टी अकाउंट बना हुआ है, इसको आप कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम इस तरह लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो कैश बुक, बैंक कॉलम या बैंक अकाउंट्स एक ही बात होगी। अच्छा, बैलेंस कितना दिया हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक 2740 डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट पे लिख लेते हैं 2740। अच्छा, अब क्या है अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, इसको तो अभी छोड़ दें। अनक्लियर चेक्स, अच्छा, अनक्लियर चेक्स हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया है बट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो जब हमने डिपॉजिट करवाया होगा तो उस वक्त हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अनक्लियर चेक कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। अच्छा, बैंक चार्जेस ऑन बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द कैश बुक, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बैंक चार्जेस हैं, तो बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है ना, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, डबल एंट्री क्या होगी इसकी, अगर एक डबल एंट्री बनाए हम बैंक चार्जेस की, बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और कैश ही बैंक आ जाएगा, ठीक है, बैंक से डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसके डबल एंट्री हम क्या बनाएंगे, बैंक चार्जेस या एक्सपेंस डेबिट हो गए और बैंक क्रेडिट, कितने से 32। अच्छा, तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम बैंक को क्रेडिट कर दें, 32 से बैंक क्रेडिट हो गया, सही। जिसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स, हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक, सप्लायर ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो जिस दिन हमने पेमेंट की होगी उस दिन हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा कैश बुक में, तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करें, ठीक है। तो अनक्लियर और अनप्रेजेंटेड चेक कैश बुक में रिकॉर्डेड होते हैं, तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं, सही है, याद रखिएगा। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। तो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होती है, पेमेंट, फिक्स पेमेंट है, हम किसी को पे कर रहे हैं, तो अब हम बाकी पेबल या एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और बैंक उसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स पेबल, तो किसी को पेमेंट करनी है, या फिर तो भी आपका एक्सपेंस जो भी आप पे कर रहे हैं डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो कितने से 93 से बैंक क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट कर देते हैं 93 से। इसके बाद एक क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम बी बर्नेस एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द येट इन द कैश बुक, क्रेडिट ट्रांसफर पैसे आ रहे हैं, तो
हम कैंची बनाएंगे इसकी बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे ना, 201 से 201। अब यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट पे लिख लेते हैं 201 आ जाए। अच्छा डिस्क्रिप्शन भी लिख लें इसके, लिख लेते हैं। अच्छा पहले एंट्री क्या थी हमारी, बैंक चार्जेस है ना 32, यहाँ बैंक चार्जेस लिख लेते हैं, चार्जेस ही कर देते हैं। इसके बाद सेकंड हमने एंट्री क्या थी, पेबल। और अच्छा ये था स्टैंडिंग ऑर्डर, इसको स्टैंडिंग ऑर्डर ही लिख लें, आपको याद रखने में आसानी होगी, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है तो हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगी। इसके बाद ये क्या था, क्रेडिट ट्रांसफर, तो हम क्रेडिट ट्रांसफर ही लिख देते हैं बजाय रिसीवेबल लिखने के, क्रेडिट ट्रांसफर। इस सबको याद रखने में आसानी रहेगी कौन सी चीज किस साइड पर आ रही है ना। सही। अच्छा ये कैश बुक हमारी, कैश बुक बैंक कॉलम या बैंक अकाउंट अपडेट हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे 2941, 2941। क्रेडिट साइड माइनस करें 2816। तो ये आ गया एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है ओके, अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 2537, इसको एडजस्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये भी कैश बुक के, ये कैश बुक के बैलेंस के इक्वल आ जाए 2537, 2537। और ये क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है। ठीक ओके, अब क्या अनक्लियर चेक्स, ये बैंक में रिकॉर्ड होंगे। ठीक अच्छा, वन क्लियर चेक्स हैं, जब क्लियर होंगे बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, अनक्लियर चेक जब क्लियर होंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा बढ़ेगा। हमने चेक डिपॉजिट करवाया, अनक्लियर चेक्स जब क्लियर होंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, अनक्लियर चेक्स ऐड हो जाएंगे कितने से 410। इसके बाद है फिर इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अच्छा अनप्रेजेंटेड चेक्स जब प्रेजेंट होंगे तो बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको लेस करेंगे, माइनस कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, कितना है अमाउंट, 131। ठीक, अब इसका सम कर लेते हैं तीनों का, ये बन गया 2816। तो ये आ गया हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों बैलेंस इक्वल हो गए, एडजस्ट हो गए, करेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, कॉपी कर लें। द क्वेश्चन नंबर टू, ऑन 31 दिसंबर 2011 बैंक कॉलम ऑफ थ्री टाइम्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1740। मंथली बैंक स्टेटमेंट रिटन अप टू 31 दिसंबर 2011 शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2950। अच्छा ऑन चेकिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा अब उसने डायरेक्ट आपको बता दिया है ये कैश बुक पर रिकॉर्ड नहीं हुई तो हमने रिकॉर्ड करनी है, तो सोचना नहीं पड़ेगा कि रिकॉर्ड करें या ना करें। अच्छा पहले क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर है कलेक्टेड बाय द बैंक, तो पैसे आ रहे हैं कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस ठीक है डिडक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट डेबिट ऑफ 70 हैड बीन पेड बाय द बैंक, पेमेंट है ऑटोमेटिक पेमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर हैड बीन पेड बाय द बैंक, ये भी पेमेंट हो गई। अच्छा बस सी टेंस डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस, उसका कोई डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस था 1400 का, ट्रांसफर इनटू हिज बैंक करंट अकाउंट, ये भी पैसे आ रहे हैं डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। इसके बाद फर्दर चेक रिवील द फॉलोइंग आइटम, अनप्रेजेंटेड चेक्स अनक्लियर चेक।
ये रिकंसिलेशन में आ जाएंगे। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या, स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस ऑफ 1500, ब्रिंग द कैश बुक बैंक कॉलम्स अप टू डेट एंड देन बैलेंस द बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर कोई बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पहले कैश बुक बैंक कॉलम, यस को सिर्फ बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक, एक ही बात होगी। अब बैंक बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर कैश बुक 1740 डेबिट बैलेंस है, 1740। अच्छा पहले के क्रेडिट ट्रांसफर कलेक्टेड बाय द बैंक, पैसे आ रहे हैं डेबिट, 260 डेबिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस 30 क्रेडिट होंगे, क्रेडिट क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है, तो बैंक क्रेडिट होगा। डायरेक्ट डेबिट ऑफ 70 पेड बाय द बैंक, पेमेंट हो रही है क्रेडिट। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर हैड बीन पेड बाय द बैंक, ये भी पेमेंट है तो क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। इसके बाद हाँ सी टाइम्स डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड इनटू इस बैंक करंट अकाउंट, पैसे आ रहे हैं डेबिट हो जाए, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे 3400, 3400 क्रेडिट साइड माइनस करें 3100, 3100 आ गया हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अच्छा यहाँ डिस्क्रिप्शन पे लिख देता हूँ, अलग है क्रेडिट ट्रांसफर तो डेबिट पे लिख लें क्रेडिट ट्रांसफर, सेकंड बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस क्रेडिट हो जाएंगे, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट है डायरेक्ट डेबिट। इसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, और ये डिपॉजिट अकाउंट से ट्रांसफर हुए ना, या डिपॉजिट अकाउंट लिख देते हैं। ओके जी ये कैश बुक बैंक अकाउंट बैंक कॉलम से कंप्लीट हो गया। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है 2950 क्रेडिट बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस होगा। ओके अब अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 540 के, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस होंगे क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक्स जब प्रेजेंट होंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, 540 माइनस करेंगे। अनक्लियर चेक 690 ऐड कर लेंगे, जब अनक्लियर चेक्स क्लियर होंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया हमारे पास 3100 एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों बैलेंस सेम हो गए, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा ऑन 31 मार्च द बैलेंस ऑन बैंक लेजर अकाउंट वॉज द डेबिट ऑफ 1042, एट द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 838। अच्छा अब एक साथ ही थी कंप्लीट कर लेते हैं, कैश बुक का बैलेंस कितना है 1040 42, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है 838। अच्छा बिल्कुल साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा ए में क्या है, बैंक चार्जेस वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश, तो ये कैश बुक में इसको क्रेडिट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं बैंक चार्जेस। कैश बुक क्रेडिट साइड हैड बीन अंडरकास्ट बाय 100। अच्छा अभी एक एरर आ गया, कैश बुक क्रेडिट साइड हैड बीन अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो करेक्शन क्या होगी, तो क्रेडिट अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कम रिकॉर्ड किया, टोटल आपने कम किया है, तो क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो क्रेडिट साइड को इंक्रीज करेंगे तो 100 क्रेडिट हो जाएंगे, 100 ही होता है। ओवर अंडर कास्ट में हमेशा सेम अमाउंट आएगा, डबल नहीं होता, डबल होता है जब साइड चेंज होती है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड
अंडर कार थी तो आपने 100 से उसको क्रेडिट करके इंक्रीज कर दिया। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट अपेयर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, कैश बुक में क्रेडिट होगी, क्रेडिट हो गई। जो अंडर कास्ट और ये सब कोई नाम तो चीज हुई है, अंडर कास्ट रिपोर्ट की चेज होती है या फिर चीज होती है नहीं कुछ भी क्रेडिट साइड लिखा है बस, इसलिए हमने कोई नाम नहीं दिया। क्या लिखा हुआ है का मतलब है क्रेडिट साइड का जब टोटल कर रहे थे तो आप 100 ऐड करना, टोटल में मिस्टेक। तुमने क्रेडिट साइड को 100 से इंक्रीज कर दिया। अच्छा सी हो गया। डी चेक ड्रॉन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 120 60 एंड 35 हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड एट बैंक बाय 31 मार्च एंड देयर फोर डिड नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो ये अनप्रेजेंटेड हो गए, तीनों को ऐड कर लें, तीनों को ऐड करें 215। ये अनप्रेजेंटेड चेक यहां से माइनस हो जाएंगे ना, 215 माइनस कर लें। ठीक। ई अ चेक रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम अ कस्टमर, चेक रिसिप्ट 225 हैड बीन पेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑन 30th मार्च, आखिरी दिन 30th, बट डिड नॉट अपियर ऑन बैंक स्टेटमेंट अंटिल 3rd अप्रैल। अनक्लियर चेक हो गया, 225 एड हो जाएंगे। कैश बुक को बैलेंस करते हैं, पहले टोटल आएगा 1042। क्रेडिट साइड माइनस करें, बैलेंस 190 माइनस करके बताएं। 8 कैलकुलेट कर लें, क्या कर रहे हैं 848। तो यहां से चेक कर लेता हूं मैं, 848 आएगा, दोनों बैलेंस सेम आते हैं। ठीक है, 848 आ गया एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश फ्लो। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं बैंक स्टेट बिहार इसको, तो इसका सम भी आ जाएगा 848 एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश फ्लो। ठीक है, कॉपी कर लें। ओके, द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, बैंक लेजर अकाउंट ऑफ अ बिजनेस शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ 70 डेबिट। ये बैंक अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। स्टैंडिंग ऑर्डर 40 है That has been omitted from day books. हाँ, day books include 60 of checks written out but appearing on the bank statement, but not appearing on bank statement है. And 490 of deposit not yet appearing on the bank statement. Bank statement shows an overdraft of 400. दोनों बनेंगे इसमें, दोनों बैलेंस ही हैं. अच्छा, बैंक बैलेंस कितना है एज पर कैश बुक? 70 डेबिट. अब क्या लगे, देर इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 40 दैट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द डे बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट। अच्छा, डे बुक्स इंक्लूड 60 ऑफ चेक्स रिटन आउट बट नॉट अपियरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो ये अनक्लियर है, अनप्रेजेंटेड है, अनप्रेजेंटेड है। चेक्स इंक्लूड 60 ऑफ चेक रिटन, रिटन चेक लिखे आपने, चेक कब लिखते हैं? जब पेमेंट करना होती है। तो ये अनप्रेजेंटेड हो गए ना, 60 माइनस करेंगे यहां से। अच्छा, और उसके बाद एंड 490 ऑफ डिपॉजिट नॉट येट अपियरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट, तो ये अनक्लियर हो जाएंगे 490 के बाद। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 400, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 400। तो बैलेंस करते हैं आप, 70 माइनस 40
30 आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को बैलेंस का एडजस्ट बैलेंस कर लेते हैं, तो ये भी आ गया 30। ठीक है, तो दोनों बैलेंस सेम हो गए, एडजस्ट हो गए, रिकनसाइल्ड हो गए, आंसर होगा 30। कॉपी कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कैश बुक बैलेंस कितना है? 2369, 2369.37। अच्छा, इसके बाद यदि अवर रिसेंटली रिसीव्ड है नॉट इंक्लूड चेक्स पेमेंट। अच्छा ये तो होगा, अच्छा ये क्या होंगे, नॉट इंक्लूड चेक्स पेमेंट्स ऑफ अनक्लियर एंड प्रेजेंटेड है, अनप्रेजेंटेड है, चेक पेमेंट्स है ना, अनप्रेजेंटेड 394, यहां से माइनस कर देते हैं 394.67। अच्छा, इसके बाद है देखिए, पेमेंट्स इनटू द बैंक, अभी लिखे पेमेंट्स इनटू द बैंक मींस डिपॉजिट, अभी डिपॉजिट करवाए हमने कितने 936, तो ये होंगे अनक्लियर चेक। ठीक है, तो वर्डिंग का ख्याल रखिएगा, 936.03। इसके बाद डायरेक्ट डेबिट 393, क्रेडिट हो जाएगा 393.6। इसके बाद बैंक का क्लोजिंग, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया 1434, 1434.41। ठीक, बैलेंस करते हैं हम 2369.37, 2369.37 माइनस करें 393, 1975.77। क्लोजिंग होता है जी, हमेशा दोनों के क्लोजिंग बैलेंस ही होंगे, क्लोजिंग बैलेंस को ही हम रिकनसाइल करते हैं। सही, ठीक है, कैश बुक बैलेंस होती है मंथ एंड पर, बैंक स्टेटमेंट रिसीव होता है मंथ एंड पे ना, क्लोजिंग बैलेंस ही दोनों के आते हैं, तो ये रिकनसाइल हो गए, एडजस्टेड बैलेंस आ गया। ऑन जुलाई 31st बैंक लेजर अकाउंट वॉज डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, बैलेंस ही हुआ है डेबिट जी। अच्छा, विद अ क्रेडिट ऑफ 134, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 134 शोन बाय बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है 134 और ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट वन, चेक्स ड्रॉन बाय ब्लेयर ड्यूरिंग जुलाई अमाउंटिंग टू 356, 1732, 196 हैड बीन एंटर्ड इन द डे बुक्स बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक बाय द एंड ऑफ मंथ। अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए, तीनों को ऐड करें। ठीक, तो यहां से ये माइनस हो जाएंगे 2284, 2284। अच्छा, पॉइंट टू, ब्लेथ हैड फॉरगॉटन टू एंटर इनटू कैश बुक स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट फॉर 50। ठीक है, तो कैश बुक में ये क्रेडिट कर देंगे स्टैंडिंग ऑर्डर। इसके बाद पॉइंट थ्री, द बैंक हैड इनकरेक्टली credited Blade's account with a receipt of 25 relating to another customer। अच्छा, किसी और के पैसे रिसिप्ट बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो ये बैंक एरर हुआ, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए तो मींस ऐड हो गए, बैंक का क्रेडिट ऐड होता है ना, तो यहां से हम माइनस कर देंगे। बैंक ने किसी और के पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए तो उसको यहां से माइनस कर देंगे ना, इसको बैंक एरर का नाम दे देते हैं। क्रेडिट किए, बैंक का क्रेडिट ऐड होता है ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस होगा।
अच्छा पॉइंट नंबर फोर, बैंक चार्जेस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक में क्रेडिट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर फाइव, चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 12/11 वर एंटर्ड इन द डे बुक ऑन July 31 बट वर नॉट क्रेडिटेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो ये अनक्लियर अनक्लियर चेक्स हो गए, ऐड हो जाएंगे 1211। सिक्स, डायरेक्ट क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर ऑफ 180 एंड 31 हैड बीन पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द डे बॉक्स। अब ये रिसिप्ट में पेमेंट्स हैं, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट डेबिट तो पेमेंट होती है, अब ये डायरेक्ट क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर, पैसे आ रहे हैं जो कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डेबिट अपने 180 और 31 यहाँ डेबिट हो जाएंगे, डायरेक्ट क्रेडिट के नाम से लिख लेते हैं, ये भी डायरेक्ट क्रेडिट होगी। लिख सकते हैं एक ही बात है। अच्छा, सेवन है, चेक्स पेमेंट फॉर जुलाई हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1000। पेमेंट साइट अंडरकास्ट है, पेमेंट कहाँ आती है क्रेडिट पर, उसको 1000 से और क्रेडिट कर देंगे अंडरकास्ट। द स्टेटमेंट शोज एन इन आइटम रिटर्न चेक 72। दिस हैज नॉट येट बीन अकाउंटेड फॉर इन द कैश बुक। रिटर्न चेक मीन्स अच्छा डिसऑनर चेक, बाउंस चेक, तो ये कैश बुक में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, बैलेंस करते हैं आप, कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 12/27, 1227 डेबिट साइड माइनस करें 954 बैलेंस आ रहे हैं, बैलेंस आ गया 954 कैरेट डाउन और ये इसका ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अच्छा ब्रॉड डाउन आ रहा है क्रेडिट साइड पर, तो ये क्या शो कर रहा है, बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये आ रहा है माइनस 54 64 आ रहे हैं, हाँ मिस्टेक है, ये 54 964 बन रहा है, 10 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है।54 चेक करें कहाँ मिस्टेक है अमाउंट में कोई, ये 54 54 है, कैश बुक चेक करें, कैश बुक 964, ये 964 आ रहा है, ठीक है राइट। तो ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी 964 माइनस, माइनस का मतलब हो गया ओवर ड्रॉ, ठीक है, तो दोनों बैलेंस रिकनसाइल्ड हो गए, ठीक है कॉपी कर लें।